शिवा, तुम कुछ कहना चाहते हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अभी तक क्यों नहीं आई वही सोच रहा था। तुझे कुछ बोलना है क्या? अरे बोल देना जो बोलना है, बोल। मैं क्या बोलूं, मुंह बंद कर। तिरुपति क्या बात है? मैडम वो नहीं, मैडम इसके दादाजी की तबीयत खराब है ना, तो दवाई लेने की बात। हाँ वही मैडम। ठीक है, मैं जाती हूँ, बाय। दीदी अच्छी है ना? ये क्या यार, तू प्यार करता है ये तो बोल सकता? अरे, है ना, पागल है क्या? ऐसे कैसे? फोन लगा एक बार। लगाऊं? लगाना। ये चीन तो बहुत अच्छी है। हेलो। हेलो, मुझे आप कल कब आने वाली हैं? सेम टाइम। ठीक है ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, बाय। हे, उसे पता नहीं है क्या? बताने की क्या जरूरत? अबे मुझे अंदर क्या टेंशन हो रही है, तुझे पता है क्या? हे, तुझसे नहीं होगा, फोन मुझे रुक। अरे मुझे करता हूँ। अच्छा करना, बोला ना करता हूँ। हेलो, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो शिवा। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन आप बहुत बड़े लोग हैं। हेलो शिवा। मैडम, हेलो, हेलो, बात करते करते फोन कट गया है। दीदी रंगा रेड्डी आ गए, भागो जल्दी जल्दी, भागो, भाग जाओ यहां से जल्दी, इस तरफ। ए, 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 पकड़ो उन्हें, ए, ए, रुको उन्हें, ओए, ए, पकड़ो उसे, जल्दी, 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 ए, रुक, ए, रुक। बारिश हो रही है ना, इसलिए नहीं लग रहा है, बाद में कर लेना। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मालकिन, मालकिन जल्दी दरवाजा खोलिए, जल्दी दरवाजा खोलिए। कौन है? मैं लावण्या हूँ, लावण्या। क्या हुआ लावण्या? लावण्या, रो मत, रो मत, बताओ क्या हुआ? बस में। हाँ, हाँ, बस में। सुनिए जी, आप पानी लेकर आइए। हाँ, रो मत, रो मत, जल्दी लेकर आओ। ये लो, पानी पियो तुम। क्या हुआ, बोलो लावण्या, बोलो, डरो मत, बोलो। लेकर आओ रे। ए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए उसे, क्या कर रहे हैं आप लोग, छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए उसे। सर नमस्ते सर, कांस्टेबल केशवराज बोल रहा हूँ सर। इस वक्त कहाँ? सर जहाँ मर्डर हुआ वहाँ 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। पहुँचने के बाद मुझे फोन करना। ठीक है सर।
सर। सुनो, लोकल अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया? हाँ कर दिया सर। कौन है? बीए वुड सर। पहुंच गए? अभी तक तो नहीं सर। नमस्ते साहब, आइए साहब आइए। सर, कल रात से इस घर में काम करने वाली लड़की मिसिंग है और ये है लड़की के माँ बाप सर। ये पुलिस को कंप्लेंट तुमने ही की थी? हाँ सर। क्या हुआ था, सच बोलो। सर, हर रोज काम करके रात को 8 बजे तक घर आ जाती थी, कल नहीं आई सर। घर के मालिक को फोन किया तो नहीं उठाया। मैंने सोचा कि हो सकता है वहीं रुकी हो शायद। सुबह फोन किया तब भी नहीं उठाया। मुझे बहुत डर लगने लगा सर, तो मैं यहाँ चला आया देखने के लिए कि मेरी बेटी कहाँ गई, उसे कुछ हुआ तो नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए सर। तुम्हारी बेटी चोरी करके भाग गई, सब लोग यही कह रहे हैं। नहीं सर, हमारी बेटी ऐसी नहीं है सर। हम लोगों को पैसों का कोई लालच नहीं है सर। उसको फोन भी खरीद कर नहीं दिया मैंने। हम सूखी रोटी खाकर जीते हैं सर। हमारी बेटी चोरी क्यों करेगी सर? मुझे लग रहा है कि इस केस को डाइवर्ट करने के लिए इन लोगों को मार करके उस लड़की के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन अभी यही सच मानकर मीडिया को समझाना पड़ेगा, फिर बाद में हम कातिल को आसानी से पकड़ सकते हैं। सर, हमें हमारी बेटी चाहिए सर, उसे कैसे भी ढूंढ दीजिए सर, प्लीज सर। इस घर में रहने वाले वाइफ एंड हस्बैंड का रात में किसी ने मर्डर कर दिया है, तब से इस घर में काम करने वाली लड़की मिसिंग है। हर बार तू पकड़ा जाता है, क्यों करता है ऐसा? चल जल्दी जा। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते। तुम लोग जाओ, मैं साहब से बात करके बता दूंगा, ठीक है? नमस्कार सर। सर, मेरी बेटी का कुछ पता चला? सारे पुलिस स्टेशन में तुम्हारी बेटी का फोटो भेज दिया है सर। हाँ, आ जाओ सोलोमन, बैठो। सर, दो चाय बोलना। जी सर। तुम्हारी बेटी के बारे में जैसे ही पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा, परेशान मत हो। ठीक है सर। चाहे जो हो, तुम्हारी बेटी को हम ढूंढ लेंगे। ठीक है सर। ठीक है, मैं देख लूंगा ना। सो क्या हुआ सर? इनकी बकरी नहीं मिल रही है सर, हमें ढूंढने के लिए कह रहे हैं। और काम नहीं है क्या हम लोगों को? नमस्ते सर। ओके सर। सर, पूरे 20 दिन गुजर गए सर, लेकिन कुछ तो मैं क्या करूं बोलो। तुम्हारी बेटी कहाँ है? पता चलेगा तो हम तुम्हें बताएंगे ना। जाओ अब। ये ले साहब। देख, अरे कोई बात नहीं, रखो इसे तुम अपने पास। चलो जाओ यहाँ से। सर। सर 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 सर। हे, दोबारा पुलिस स्टेशन के सामने नजर मत आना तू। कितनी बार बोला तुझे? कांस्टेबल इसे यहाँ से भेज दो। ए, चलो चलो यहाँ से। जो मर गया उसे ढूंढने को बोल रहा है, कहाँ से ढूंढ के लाए? कल 10 बजे दोनों गुट को गांव में जाने के लिए बोल देना, एसपी का ऑर्डर है ये। ये काम पहले करना। लड़की मर गई है, अरे बाप रे, अब क्या होगा? सर, मैं इस समय स्पॉट पर ही हूँ। मैं दोनों विलेजर्स से बात कर चुका हूँ
आप टेंशन मत लीजिए सर। या राइट सर। हेलो सर। तुम नहीं जगन? यस सर। सर इन दोनों गांव के बीच में प्रॉब्लम क्या है? सर इस गांव के पंचायत में एकदम महाराजा की तरह 25 सालों से पिद्दा रेड्डी प्रेसिडेंट थे सर, और इस गांव पर राज कर रहे थे। आज 6 महीने पंचायत के इलेक्शन में एकेपी को हरा करके चंगल रेड्डी का आदमी जीत गया सर। अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए पूरे गांव वालों को मारना है, ऐसा सोचकर रंगा रेड्डी बदले की भावना में है सर। और इसी बीच उनकी बेटी भी मर गई सर। चंगल रेड्डी बदला लेने के लिए पागल हुआ जा रहा है सर, यही चल रहा है इस गांव में। यहाँ पर जिन लोगों का किस से संबंध है वही रहने चाहिए, बाकी के सब लोग पीछे हट जाओ। पीछे हटो, आखिर तुम दोनों लोग चाहते क्या हो? 25 लोग मर गए हैं पता है ना तुम लोगों को? सर हमने पहले हथियार नहीं उठाया था सर। ये बिल्कुल सही कह रहा है, वो आकर झुक गया और हमने मार दिया, हमारे भी 10 लोग मरे हैं सर। hey, जो हो गया सो हो गया, छोड़ो अब करना क्या है ये सोचो। सर जिस दिन मेरी छोटी बहन को मार दिया था अगर उसी दिन सीरियस हो गए होते तो आज ये परिस्थिति नहीं आती सर। इस केस को लेकर के हम लोगों ने काम नहीं किया, हम लोगों ने 20 लोगों से तहकीकात की है, कुछ पता है तुम्हें? दोषी को उन्हें मालूम होने के बावजूद बिना मतलब बेकसूर लोगों के साथ तहकीकात कर रहे हो? 6 महीने हो गए हैं सर, लेकिन बस ड्राइवर कंडक्टर को अभी तक आप लोगों ने पकड़ा नहीं है सर। सुनो पुलिस ढूंढ रही है। ए, साफ साफ बताओ कि पुलिस ढूंढ रही है कि तुम लोग ढूंढ रहे हो? तेरे को तो अभी खत्म कर दूंगा मैं। क्या? तुम लोगों को अभी की अभी यही काट डालेंगे हम। अबे हम लोगों को भी काटना आता है, चला जा अभी देख लेते हैं इसी वक्त। अच्छा हम लोगों ने चूड़ियां पहन रखी है क्या? आ जा। बैठ जाओ मैं बात कर रहा हूं ना, फाइनली पूछ रहा हूं क्या करना है? सर मेरे बाप को मारने वाले पूरे गांव वालों को मरना होगा, उसके बाद आप जो भी सजा देंगे हमें मंजूर है सर। चलता हूं। चलो रे पांडी। आप लोग चाहते क्या है सर? मेरी बेटी की मौत की जिम्मेदार एकेपी पार्टी को सजा मिलनी चाहिए। उसके लिए सबूत नहीं है ना सर? सर वो बस ड्राइवर और कंडक्टर कहाँ पे हैं? हमें 2 दिन पहले ही पता चल गया था और अभी हमारी कस्टडी में है। उन दोनों को मुझे हैंड ओवर कर दो, मैं उन्हें कोर्ट में सबमिट करूंगा। माफ करना पुलिस पर मुझे जरा भी यकीन नहीं है, हम खुद उन्हें हवाले करेंगे। चलो ए राजो। ए राजू क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? भैया ड्राइवर और कंडक्टर कहाँ है? रंगा रेड्डी के आदमी वो लोग ने। उसे भी जलाओ। मरो कमीनो। ए, इनकी हड्डियां भी नहीं मिलनी चाहिए, मिट्टी डाल दो उन पर। हाँ देता हूं भाई, भाभी का फोन है। हेलो। कितनी बार कहना पड़ेगा, फोन क्यों नहीं करते हो वापस? फोन साइलेंट था, बोल क्या बोलना है? हमारी बेटी का 2 दिन से फोन बंद आ रहा है, कॉलेज भी नहीं गई, हॉस्टल भी नहीं गई, मुझे बहुत डर लग रहा है, जरा जाकर देखो ना क्या हुआ है। 2 महीने पहले उससे मुलाकात हुई, हमेशा फोन पर बातें करती रहती थी, मुझे लगा था कि फ्रेंड से बात कर रही है, वो किसी से प्यार करती है ऐसा सोच नहीं पाई मैं। 2 दिन पहले ही मुझे वेनिला ने बताया कि वो दोनों शादी करने वाले हैं, और मॉर्निंग से ही वेनिला दिखाई नहीं दे रही है अंकल, फोन किया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या तुम्हें पता है वो दोनों कहाँ शादी करने वाले हैं? मुझे नहीं पता अंकल।
बहुत अच्छा मुहूर्त है, मंगलसूत्र पहना पंडित जी, एक मिनट। पर क्यों? यहाँ क्या हुआ? ए शिवा, क्या हुआ यार? तू रुक यार, मैं तो अनाथ हूँ, मेरी शादी ऐसे हो सकती है, पर तुम्हारा परिवार है फिर भी अकेली खड़ी। ये सब कुछ अभी जरूरी है क्या? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे ये सही नहीं लग रहा वैनिला। देखो शिवा, मेरी फैमिली के बारे में मैंने तुम्हें सब कुछ पहले ही बता दिया था, वो लोग कभी नहीं मानेंगे, समझने की कोशिश करो प्लीज। क्यों, मेरा सर काट देंगे क्या? हाँ बिल्कुल, तुम्हारा सर काट देंगे। तुम्हारे घर वाले नहीं माने तो मर जाएंगे सोचा था ना? अगर जान जानी है तो चली जाए, चलो। शिवा, ए ए शिवा, ए शिवा, शिवा रुक जा। शिवा देखो, तुम जैसा सोच रहे हो मेरे घर वाले उतने अच्छे नहीं हैं। मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला लिया, तुम सब यहीं ठहरो, मैं और वनीला जाकर आते हैं। शिवा मेरी बात समझो, वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। काका तुम्हारी बारी। हमारे गांव में ये बाहर की कार कैसे आ सकती है? हाँ रंगारेड्डी जी की बेटी, जल्दी फोन करना पड़ेगा। कौन है, कहाँ है पता नहीं, कहीं से भी ढूंढो उसे, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तू फोन रख, दूसरा फोन आ रहा है, बाद में बात करता हूं मैं। भाई बोल धनराज। भाई आपकी बेटी किसी लड़के के साथ कार में आ रही है भाई। क्या कहा, अच्छी तरह से देखा तूने? क्या भाई, मैं उसे पहचानता नहीं हूँ क्या? अरे रे 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 रे, अंदर जाओ सब लोग, अरे अंदर जाओ सब बच्चे लोग, अंदर जाओ भाई, जल्दी जाओ भैया। क्या बात है, सबको बोलो अंदर जाने के लिए। अरे क्या हुआ, चलो, हुआ क्या, चलो। पर क्यों भैया? वैनिला ने जिसके साथ शादी किया वो यहीं आ रहा है। ए, ये ले, लेकर जाइए। ठीक है भाई। आ जाओ, ठहरो। नमस्ते सर, मेरा नाम शिवा है। आपकी बेटी को आपकी बेटी साथ लाया हूं सर, अभी हमारी शादी नहीं हुई, अगर मैं मर गया तो मेरा कोई रोने वाला नहीं है सर, लेकिन यह अकेली नहीं है सर, आप सब लोग हैं। इसकी शादी धूमधाम से करने के लिए आपने कई सपने देखे होंगे, अगर कोई आकर आपकी बेटी को भगा ले जाता है तो आपको कितना दुख होगा मैं जानता हूं सर, ऐसी गलती करने से मेरा दिल नहीं माना, हमने जो किया उसे माफी नहीं मिल सकती, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को जान से ज्यादा प्यार करते हैं, हम दोनों को मिलाएंगे या यही काट देंगे, आपकी मर्जी सर, आपका जो भी फैसला होगा मंजूर होगा सर। क्या बेटी, मैं तुझसे हमेशा पूछता था
कि माँ पसंद है या पापा, और तू कहती थी कि पापा पसंद है, फिर ये क्या बेटी? सॉरी डैडी। तेरे बाप की बेइज्जती होगी, तुझे पता है ना कि वो फांसी लगाकर मर जाएगा। क्यों किया ऐसा? हमारी बेटी से शादी करके आएगा तो सोचा था तेरे टुकड़े करके नदी में बहा दूंगा, लेकिन मेरी बेटी को सही सलामत हवारे हवाले करके हमारे घर की इज्जत को बचाकर मेरी जान बचा ली तुमने। तुम कोई चिंता मत करो बेटा, तुम दोनों की शादी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। भैया क्या बात कर रहे हो भैया, हमारी बेटी को लाकर छोड़ देगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? आप इसे अंदर लेकर जाइए। इसे तो मैं देखता हूं। ये मेरी बेटी की जिंदगी है, यही मेरा दामाद है। अगर इस पर जरा भी खरोंच आई ना, मैं इंसानियत नहीं दिखाऊंगा। ये आखिर है कौन? इसके लिए आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो? हाँ, गली का कुत्ता कभी भी घर का नहीं होता। हमारी बेटी की शादी इससे कैसे कराओगे? मैं भी देखता हूं। तेरी तो चलो रे। ए, जा रे जा, तू कहाँ जा रहा है मुझे अच्छी तरह से पता है। अरे बेटा वो बस ऐसे ही है, इन सब लोगों में मैं ही बड़ा हूँ और समझदार भी हूँ। रात को पीकर सुबह तक सब भूल जाएंगे। तुम आओ बेटा। ए, हाँ पापा। कल सुबह पंडित जी को हमारे घर आने के लिए बोलना। ठीक है पापा। हाँ। ओम स्वामी विघ्नेश्वरा, स्वामी विघ्नेश्वरा। लड़के का राशि नक्षत्र बताइए। सिंह राशि। नक्षत्र क्या है बेटा? सतभिषा नक्षत्र। सतभिषा नक्षत्र। बेटी का नक्षत्र क्या है? कर्कट राशि पुष्यमी नक्षत्र। कर्कट राशि पुष्यमी नक्षत्र। बुआ बोलो, रुको ना, बोलो, रुको ना, बोलो ना। भैया लड़की जल्दी शादी करवाने के लिए कह रही है, ज्यादा देर मत कीजिए। ये क्या बोल रहे हो तुम? चुप। पहले ही बोल दिया इस हफ्ते का कोई अच्छा मुहूर्त देखने के लिए। भाई इस होने वाले दूल्हे से तेरी दोस्ती पहले से है क्या? नहीं रे। नहीं? कल से ही तो बना। हाँ? कैसे? ऐसे। नहीं रे, मैं फोन कर रहा हूँ तो फोन नहीं उठा रहा है। कितनी बार फोन किया लेकिन फोन ही नहीं उठा रहा है। मैं मरना चाहता हूँ तो अब मैं मरना चाहता हूँ, बस तू मुझे कन्विंस मत कर, समझ गया ना? इसे देखो। वन टू थ्री। मरना ही था तो खुशी से मरता, तूने मुझे क्यों फोन किया? मैंने तो अपने फ्रेंड को फोन किया, तू कौन है? तूने जिस फ्रेंड को फोन किया ना, मैं तेरे उस फ्रेंड का फ्रेंड हूँ। मरने से पहले आखिरी बार तूने उससे बात की तो पुलिस उसे पकड़ेगी, जेल में डालेगी। तू पागल है क्या? मरने की भी आजादी नहीं है। मर जा, तुझे किसने रोका है? लेकिन फ्रेंड को फोन क्यों किया? तो अभी मैं क्या करूं? सबके मरने की एक वजह होती है, मरना ही है तो हमारे लिए मर। मैं अभी अपने शादी की बात करने जा रहा हूं, हो सकता है वो मुझे मार दे, तू हमारे साथ आके मर। लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्यों? अच्छा, तो तेरे लिए तेरा फ्रेंड क्यों मरे? वो पुलिस स्टेशन जाए, कोर्ट जाए, तेरे लिए इतना प्रॉब्लम उठाए। स्टॉप इट! क्या करना है? मैं आ रहा हूं। तो चल ना, चलो। ठीक से मरने भी नहीं देते। जल्दी आ रहा हूं, आ रहा हूं। ये बात है। आने वाले शुक्रवार को सुबह 7:55 पर बहुत ही अच्छा मुहूर्त बन रहा है। दोनों ही परिवारों के लिए बहुत ही भाग्योदय का समय होगा। हैं? माला? मेरे वाइफ का फोन है। हेलो माला। सॉरी माला, यहाँ आने के बाद तुम्हारी वैल्यू पता चली, मुझे माफ कर दो। पैचअप हो गया है ना? किससे? मेरे से ही ना। थैंक यू थैंक यू, अभी निकल रहा हूँ भैया। माला, यहाँ मेरे फ्रेंड की शादी फिक्स हो गई है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे सर पर ही है। जैसे ही शादी हो जाएगी मैं आ जाऊँगा, ओके ना? आई लव यू माला, आई लव यू। क्या कर रहे हैं? मेरी पैकअप होने वाली लाइफ में। ऐसे हंसना बंद कर पहले। नेगेटिव फैलो। हमारी भी एक बेटी है, मैं भी किसी की बेटी हूँ। एक बेटी को बेरहमी से मारा है, उसे छुपाना एक पाप है, बहुत बड़ा पाप। थोड़ा और डालो। उस बात को छुपा कर रखना भी एक पाप है। तो क्या करूँ, तुम ही मुझे बताओ। पुलिस
स्टेशन जाओ ना। देखो पुलिस स्टेशन में जाना और नरक में जाना दोनों एक जैसे हैं। वो जो इंस्पेक्टर है ना वो रंगारेड्डी का आदमी है। मैं एक बात कहूं आपसे, ठीक है साहब? चलते हैं। नमस्ते। ठीक है साहब, चल चलिए। मालिक मेरे पति की जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, हाँ, जरूर, जरूर। ध्यान रखना। नमस्कार मालिक। आप पर विश्वास करके ही मैंने अपने पति को आपके पास भेजा था। वो जिंदा है या उनका क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता मालिक। शादी को 15 साल हो गए लेकिन जिंदगी कभी बोझ नहीं लगी मालिक। आप ही बताइए इस मंगलसूत्र को मैं पहन के रखूं या निकाल दूं? मेहरबानी करके सच बताइए साहब, मेहरबानी करके। थोड़ा सब्र रखो, मुझे 2 दिन का वक्त दो, मैं बताऊंगा तुम्हें। हाँ बस 2 दिन का वक्त दो। जरा इनको संभाल के ले जाना। ठीक है मालिक। हाँ बोल, क्या बात है? कब? इस शुक्रवार को? ठीक है फोन रख, मैं देख लेता हूं। पिताजी, रंगा रेड्डी ने अपनी बेटी की शादी आने वाले शुक्रवार को कुलदेवी के मंदिर में फिक्स किया है। पूरे परिवार को खत्म करने का यही सही मौका है। छोटे चाचा आओ ना, आओ ना, क्या नाराज हो रहे हो? ताऊ जी आ गए हैं। आ गया धोखेबाज कहीं का, आ जा बैठ जा। ए जी, एक गिलास लेकर आ। जी भैया। अरे हाँ माला, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा, शादी होते ही आ जाऊंगा। चलो बहुत रात हो रही है, फोन रखता हूँ, सोने जाना है। और तुम भी अच्छे से सोना और अपना ख्याल रखना। चलो बाय डार्लिंग। पहले से पी कर आया है, ये ले एक और राउंड मार ले। मार, ऐसे क्या देख रहा है? जो खून तेरे शरीर के अंदर बहता है वही मेरे अंदर भी बहता है। हम दोनों एक ही बाप की औलाद हैं। जो गुस्सा और अहंकार तेरे अंदर है ना, वो मेरे अंदर भी है। जब मैंने अपनी बेटी को उसके साथ देखा था ना, तभी मेरे दिल में आया कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, मार डालूं उसे। तेरे से ज्यादा गुस्सा मेरे अंदर भरा है। अच्छा तो फिर मारा क्यों नहीं है? उसकी नजर में हमें अच्छा बनकर रहना है, पहले उसको मारना है, फिर हमारी बेटी हमारी हो जाएगी। क्या हुआ, समझ नहीं आया? बाहर का लड़का हमारी बेटी के करीब आया, मतलब उसे काटना चाहिए बेटी को नहीं, उसके साथ हमारी बेटी को नहीं। पागल कहीं का, आने वाले शुक्रवार को माता के मंदिर में बकरी के बदले उसके सर की बलि चढ़ाएंगे। ये है बात। ये भी ना मर्दों वाली बात भैया, मैं बहुत खुश हूँ भाई। हे भगवान, वो लोग कन्यादान के लिए नहीं जान लेने के लिए आए हैं। शिवा, शिवा, मार्क्स खाने के लिए आ जाओ। शिवा, क्या हो? शिवा, 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 क्या रे, ससुराल का खाना है सोचकर मस्त खा रहा है ना तू? कोई दे देगा और तू खा लेगा क्या? किसी अपने ने परोसा खाना मना करना पाप है, मैं कैसे मना करता? हाँ, तेरे में डालेंगे तो। बच्चों के सामने डबल मीनिंग बातें कर रहा है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो डबल मीनिंग नहीं है, लेकिन उसके पीछे मीनिंग है। क्या मीनिंग? वायलेंस। उन लोगों ने तुझे खत्म करने का डिसाइड कर लिया है। मार्क्स, तुम्हें भी दे दो ना। क्या? इडली। हाँ दे दो। देखा तुमने, कोई पूछता इडली लोगे के तो डालने की बात कर रही है और तू कहता है डबल मीनिंग। खाओ यार, खाओ। भाई इनके खाने में भी वायलेंस है। खा तो सकते हैं ना, इसमें कहीं जहर तो नहीं मिलाया होगा। वनेला, हाँ? इसे थोड़ा सांबर देना। मौत आती है तो लोग ऐसा ही करते हैं, जहर भी सांबर नजर आता है। अरे, अरे, पहले बता, बताता हूँ। आना, क्या हुआ शिवा?
अगले शुक्रवार को तेरा ससुर जो प्लान कर रहा है वो तेरी शादी का नहीं मौत का। तुझे समझ में नहीं आया? कल मंदिर में वो लोग बकरे की बलि नहीं तेरी बलि चढ़ाने वाले हैं। अभी अपने कानों से सुनकर आया हूँ। मुझे मालूम है। मालूम है तुझे? मुझे वेनेला ने बताया, ये इन लोगों का पुराना रिवाज है। क्या, दामाद को मारने का? अरे मंदिर में शादी करने से पहले बकरे की बलि देना इनका रिवाज होता है। तुझे गलतफहमी हुई है कि मेरी बलि देंगे। अबे तेरा दिमाग खराब है, बकरी का नहीं तेरा नाम लिया। मेरे कान के पर्दे एकदम बराबर है, एकदम साफ साफ सुनाई दिया मुझे। वो लोग बकरे को नहीं तुझे मारने वाले हैं। अरे देख भाई, तूने मुझे बचाया है तो मैं भी तुझे बचाकर सेम टू यू बोलना चाहता हूँ यार। प्लीज बात को समझने की कोशिश कर। तेरे ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं है, राक्षस लोग हैं। तेरा विश्वास जीत कर तुझे खत्म करना चाहते हैं। एक बार उनकी शक्ल पर आंखें डालकर देख, रावण के बेटों की तरह नजर आ रहे हैं वो। मार्क्स, चेहरे से किसी का स्वभाव पता नहीं चलता। अगर ऐसा होता तो अपना सोच, मगरमच्छ लगता है। हा? लेकिन मैंने तुझे बचाया ना। मेरी शक्ल मगरमच्छ जैसी लगती है? एक बार अच्छे से देख ले, अमूल बेबी लगता हूँ मैं। और जरा उनकी शक्ल देख, उनकी शक्ल पे मौत के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। प्लीज मेरी बात सुनिए, अभी के अभी यहाँ से भाग चलते हैं। अंदर आते समय दरवाजा नॉक नहीं कर सकते थे? यहाँ कोई दरवाजा नहीं है मार्क्स। दरवाजा नहीं है तो क्या ताली नहीं बजा सकती? हमारे बीच कैसा राज? तू बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। बोलो क्या बात है? हमने तुम्हारी जान बचाई और तुम हमारी शादी तोड़ने का प्लान कर रहे हो? अरे मेरी अम्मा, मैं तुम्हारी शादी तोड़ना नहीं चाहता। तुम्हारे पिताजी किसी को भी चांस नहीं देंगे। देखो, अगर हम तीनों लोग यहाँ से भाग जाएंगे ना, तो तुम दोनों कहीं पर भी शादी कर सकते हो। फिर बाद में तुम्हारे बाप को कैसे भी मना लेना हा? और फिर रही रिश्तेदारी की बात, तो वो तो अच्छी तरह से निभा ही सकते हैं बाद में, ओके ना? तुम्हें मेरे पिताजी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। चलो तुम्हें बताती हूँ मैं। अरे माँ माँ, मेरी अम्मा, तुम्हारे पिताजी मदर तेरेसा से भी महान है और खुद भगवान के भी बड़े ब्रदर हैं, ओके ना? बाय बाय, मैं चलता हूँ। अरे अरे मेरी बात। देख भाई, तेरी शादी होने के बाद उस वीडियो का लिंक मुझे भेजना, मैं विशेष में वॉइस मैसेज कर दूंगा, ओके ना? ये मार्क्स को क्या हुआ? दिमाग खराब हो गया। तेरा ही दिमाग खराब हो गया। कहाँ जा रहा है तू? अरे भाई, ऊपर बहुत ठंड लग रही है, यहाँ पर आकर थोड़ा सोने का दिल किया तो सो गया। सो जा। गुड नाइट भैया। तुम लोग बैठो यहाँ पे। भैया जरा यहाँ देखो। छी, नालायक कहीं का। भैया बताओ ना कैसा लग रहा है? काट डालूंगा। भाई, शादी के बारे में जानकर जंगल के आदमी लोग आने वाले हैं। खबर मैंने ही भिजवाई है। रामू को भी अपने आदमियों के साथ वहां आने के लिए बोला है, वो भी वहां से निकल गया है। शिवा को मारने के बाद अपनी बेटी को यकीन दिला देंगे कि जंगल के आदमियों ने उसे मारा है। अब तो खुश हो ना तुम? हाँ खुश हूं भाई। हमारे पास कितने लोग होंगे? 40 के ऊपर होंगे भाई। इतने काफी हैं। दूल्हा लग रहा हूं ना मैं? मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि तेरी शादी हो जाएगी। पता नहीं पहले तेरी बलि चढ़ाएंगे या बकरे की। मेरी धोती पर दो लाइन आ गई है क्या? धोती बांधना भी एक आर्ट है, तेरे बस की बात नहीं है। जल्दी से पहन ले और नीचे आ जा। ओ भाई, मुझे बहुत जल्दी नहीं है ऊपर जाने की। अरे हमारे खानदान में तो जान दे देते हैं, तो ये लुंगी क्या है? सामान अंदर गाड़ी में चढ़ाओ। चलो चलो जल्दी अंदर जाओ। चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ भाई, सब लोग जल्दी आओ, मुहूर्त निकल जाएगा। भैया भैया, फ्रंट सीट मेरी है भैया, बैक सीट में मुझे उल्टी हो जाती है। तू पीछे जा, मैं दूसरी गाड़ी की तरफ से पीछे वाली गाड़ी में रहूंगा तो शादी नहीं होगी। बोला ना, जाके दूसरी गाड़ी में बैठ। पीछे वाली गाड़ी सीट चाहिए, उसमें नहीं बैठना है। पीछे पीछे जाओ। हां एप्पल भैया, मैं आपकी गोद में बैठ सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, तुम जाकर पीछे वाली गाड़ी में बैठो। लगता है ये लोग कार में पहली बार बैठ रहे हैं। कहीं पर भी बैठ जाऊंगा मैं। भाई थोड़ा जगह एडजस्ट कर लो ना भाई। क्या कर रहे हैं? निकल निकल, क्या कर रहे? चल जा टेम्पो में बैठ। अरे भाई, मैं आते समय तो गाड़ी में आया था, ये टेम्पो में कैसे बैठ सकता हूँ? चुपचाप जाके बैठ, वो बंद कर। जिंदगी में मैं कभी टेम्पो में चढ़ा नहीं। बचपन से अब तक एसी कार में बैठा हूँ, तो मुझे अभी भी एसी कार ही चाहिए, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। अगर तू टेम्पो में नहीं चढ़ा ना, अगर टेम्पो में नहीं बैठूंगा तो तेरे ऊपर चढ़ा दूंगा। चल। अरे भाई, तो वो पहले ही बोल सकते थे ना आराम से, अगर नहीं चढ़ा तो। इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? देखो, हम जो कोई भी काम करते हैं ना, उसे बिल्कुल शांति से करना चाहिए, ओके? क्या मटन खाने का इरादा है? आजा भाई, आजा, 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 चल, 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 चल। मटन तो ना, मुझे भी बहुत पसंद है खाने में। बस, बस, बताइए बकरियां कैसे आवाज करती है?
रामू, कहाँ पर हो? भाई बालाकुंडा पार कर रहा हूँ, अगले एक घंटे में मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा भैया। टाइम पर पहुँच जाना। ठीक है भैया। ए, रुको रुको। हाँ मामा बोलिए। कार्तिक, हम बालाकुंडा पार कर रहे थे, रास्ते में एक पेड़ गिरा है, पता नहीं खुद गिरा है या किसी ने गिराया जानबूझकर, मुझे तो इसमें कुछ डाउट लग रहा है। मैंने भैया से एक घंटे में पहुंचने के लिए बोला हुआ है, तुम जरा देख लेना। क्या मामा जी, आप भी आने को बोला तो लगता कि नई कहानियां सुनाने लगे। क्या कार्तिक, थोड़ा ठीक से बात करो ना, कल से एक दूसरे की शक्ल देखनी है, अगर अच्छा बुरा हुआ तो हमें ही देखना पड़ेगा ना। सुनिए, मुझे ऐसी रिश्तेदारी की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हम लोग सब संभाल लेंगे, फोन रखिए। बोलो कार्तिक। भाई मामा फोन करके कहानी सुनाने के रास्ते में पेड़ गिर गया, वो आ नहीं सकते, अभी उनकी जरूरत है क्या? ठीक है, हम देख लेंगे। हाँ ठीक है, देख लेंगे। नरबलि कर जना, रणनीति बदलेना, रीत यही चले यहाँ, रगड़ 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 रणनीति नर बलि कर जना। Hey, hey, hey. चलो 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 चलो। Hey, hey. वो है हमारी कुलदेवी का मंदिर, मेरी दीदी की शादी भी यहीं हुई थी, हम लोग यहाँ पर बहुत बड़ी पूजा कराते हैं। मैं हर साल आते होंगे ना? हाँ। दुश्मन कहीं से भी आ सकते हैं। ए, वो लोग आ गए हैं। तुम आगे देखो, मैं यहाँ देखता हूँ। दया, दया यहाँ है। दया को कहीं देखा क्या? नहीं, यहाँ नहीं है। वैनिला, तुम कार में बैठो, मैं दया को ढूंढता हूँ। नहीं दिख रहा है। तुम बैठो। चल, चल, अब निकलिए। दया! Yeah.
दया भैया पकड़ो इसे। Hey, राजू जल्दी जल्दी निकल यहां से। सब लोग आ गए क्या? सबको शाही खाना मिलेगा। सीनो जी मालिक इधर आ, जाकर शाही खाना तैयार कर सबके लिए। मालिक हम में से जिस किसी ने भी रंगा रेड्डी को मारा है वो सामने आ जाओ। अरे क्या हुआ? क्या रे, कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? नहीं पिताजी, हम में से किसी ने भी रंगा रेड्डी को नहीं मारा। तो किसने मारा? पिताजी, ये वही है जिसने रंगा रेड्डी को मारा है। पूरी तरह से खून से लथपथ था। मैं ही इसे गाड़ी में लेके आया था। पूछने पे बताया कि इसने ही रंगा रेड्डी को मारा है। कौन है रे तू? तेरी और रंगा रेड्डी की क्या दुश्मनी थी? बोल, क्यों तूने रंगा रेड्डी को मारा? घरे मत, तूने ऐसा काम किया है कि हमें खुशी मिली है। बिंदास बोल। बोलो भाई, बोलो। मेरी बेटी लावण्या। बस कर बेटा। आप कितने अच्छे लग रहे हैं। उसको मार डाला, जिंदा जला दिया, उसको जिंदा जला दिया, जिंदा जला दिया। इसीलिए मैंने चाकू भोंक दिया उसे। इतने सारे मिलकर जो काम नहीं कर पाए वो तूने अकेले कर दिया, कैसे? मैंने उसे पीछे से मारा था। सामने से उस रंगा रेड्डी को चाकू किसी और ने मारा। किसी और ने? इन सब के पीछे वही है मालिक। कौन है वो? शिवा। निकलो। आ
तुम्हारा बेटा है? नहीं, रंगा रेड्डी का होने वाला दामाद। उसकी रंगा रेड्डी के साथ क्या दुश्मनी? वो मुझे नहीं पता मालिक, लेकिन एक बात तो सच है, वो रंगा रेड्डी के परिवार में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला है मालिक। मैं रोज पुलिस स्टेशन जाता था मालिक, लेकिन उस इंस्पेक्टर ने मुझे धोखा दिया मालिक। सर। हे, दोबारा पुलिस स्टेशन के सामने नजर मत आना तू। कितनी बार बोला तुझे, कांस्टेबल इसे यहां से भेज दो। ठीक है सर। हे, जब देखो चले आते हो, जाओ यहां से, जाओ। सर, भाई साहब एक मिनट, ये आपकी अमानत है। पिताजी ये देखिए, शनिवार के दिन माँ ने चर्च के पास से खरीदा। मैंने आपसे कितनी बार कहा बेटा, था ऐसा तो कब का खरीद के दे देता तुम्हें, लेकिन मैं तुझे सोने का देना चाहता था। एक साल रुक जा। सोने का नहीं चाहिए पिताजी, मेरे लिए यही काफी है। आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ? रंगारेड्डी के लोगों ने उसे मार दिया। मेरी बेटी। चलो बेटा, हम पुलिस स्टेशन में बताएंगे। रुक जाइए, पुलिस कुछ नहीं करेगी। आपकी बेटी को मारा है, आप ही को करना होगा। सुबह मैं और शिवा मिलकर रंगा रेड्डी के कुलदेवी के मंदिर में गए और वहीं पर उसे मारने का इंतजाम किया। वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन रंगा रेड्डी से शिवा की क्या दुश्मनी? इतना सब कुछ बता दिया, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? आखिर वो है कौन? उसने भी रंगा रेड्डी की वजह से किसी अपने को खोया है मालिक। तुम्हारा कहना मान के यहां आना ही नहीं चाहिए था। अब लगता है तुम्हारे पिता की मौत मेरी ही वजह से हुई। बहुत दुख हो रहा है मुझे। हे, मेरे पिताजी की मौत का कारण तुम कैसे हो सकते हो? तुम कुछ दिन यहीं रहो, मैं गांव जाकर आता हूँ। शिवा, मुझे अपने चाचा के बारे में सोचकर बहुत डर लग रहा है। मेरे पिताजी का क्रियाकर्म होने तक तुम यहीं रहो प्लीज। हाँ? बड़ी अम्मा बुला रही है। हाँ, आ रही हूँ। बाद में मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। दीदी तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। भाई ऑस्कर, शिवा। अच्छा तू है, इधर आओ। क्या बात है, आज फल खा रहे हो? हम दोनों ने डाइटिंग प्लान किया है। एप्पल भाई, टीवी में तुम्हारा कार्यक्रम शुरू हो गया है, जाओ जाकर देख लो। ओके ना? ठीक है। हाँ, अभी जाता हूँ, शाम को मिलूंगा। ठीक है ना? हाँ जरूर। आओ बैठो ना। क्या बात है बोलो। अच्छा आखिर तुम हो कौन है? और ये सब कुछ क्यों कर रहे हो है?
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर अभी सब कुछ हो गया या कुछ बचा है? अब मुझे वेनेला के तीन चाचाओं की जान चाहिए। मुझे तीन मटन बिरयानी चाहिए अभी के अभी। इतनी आसानी से बोल रहे हो तुम? अरे किसी की जान है, बताओ क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ? हा? क्या तुम्हारे पिताजी को मारा है या तुम्हारी माँ को मारा है? तुम्हारे भाई बहन को मार दिया है क्या? नहीं, मुझे पता तो चलना चाहिए ना कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तुम्हारे सेंटीमेंट से मुझे भी तो फील होगा ना। तुम लोगों को खचा खच करके मारोगे तो मेरे अंदर भी इमोशन आएगा ना, और साथ साथ बहुत बड़ी खुशी भी तो होगी ना। टेल मी हाँ प्लीज टेल मी। ओ फ्लैशबैक क्या है? लगता है बारिश होने वाली है। कपड़े भीग जाएंगे, अंदर चलते हैं। आओ मार्क्स। समझ में नहीं आया असल में ये हीरो है या फिर विलन है। छोड़ो इन सब से मुझे क्या लेना देना, मुझे बस यहां से भागने का तरीका ढूंढना है। जिसने भैया को मारा तुमने उसे देखा? कार्तिक ने मुझे ऐसा बताया, ये सच है क्या? हाँ सच में मैंने देखा। कौन है वो? हाँ? एक नहीं दो। तुम जो बोल रहे हो सच है ना? क्या बात है? इस केस को लेके मुझे किसी पर डाउट है। जंबल ब्रदर्स तो नहीं है? नहीं वो जंबल वाले नहीं है। तो फिर और कौन है, कौन मार सकता है? लावण्या का पिता। वो कौन है? जिसने सामने से मारा था ना उसकी उम्र करीबन 20 साल होगी, और जिसने पीछे से मारा था उसकी उम्र करीब 50 के आसपास होगी। वो पहले रोज पुलिस स्टेशन आता था लेकिन पिछले 15 दिन से स्टेशन नहीं है। क्या? मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ, जाकर देख कर आओ, तुम्हें पता लग जाएगा। जल्दी भेजो, अभी निकलते हैं। क्या तुम उसे देख कर पहचान लोगे? हाँ अच्छी तरह पहचान लूंगा। शिवा तुमने जो मंदिर के पास मर्डर किया ना, वहां पर भगवान ने तो आंखें बंद कर ली लेकिन पुजारी अपना मुंह बंद नहीं कर सकता। मर्डर करते हुए उसने तुम्हें देख लिया है, वो तुम्हें पहचान लेगा। तुम कैसे देखते हो वो सबको बता देगा, तो उसके सामने कभी जाना मत। हाँ और जरा संभल कर सावधान रहो, वो पुजारी कौन है तुम्हें पता है क्या? मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम नारियल पे लगे हुए हो। नारियल को कभी ऐसे नहीं तोड़ते, इधर लाओ मैं दिखाता हूँ। नारियल क्यों फटेगा? ये नारियल नहीं है। तो फिर बॉम्ब है। मतलब उस दिन मंदिर के पास वो बम लगाने वाले तुम थे क्या? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ऐसा कुछ करने से पहले आइंदा मुझे पहले बताना, ठीक है? नेक्स्ट ऑपरेशन कब है? अगले शुक्रवार को। शुक्रवार को? बुध गुरु और शुक्र, इस बीच तो मैं भाग जाऊंगा। मेरा भी वही प्लान है। माला से ब्रेकअप करने के बाद अभी पैचअप हुआ है और तुम हो कि मेरी लाइफ का अभी बैकअप करना चाहते हो? नो आई एम नॉट एक्सेप्ट दिस, आई एम नॉट योर ह्यूमन बम। बॉम्ब्स आर इंजूरियस टू हेल्थ। मम्मी गुड़िया, वो भी बॉम्ब है। हैंडल विथ केयर। हे भगवान मुझे बचा लेना रे। उसे बाहर लाओ। ए चलो ये पढ़ जाओ। चलो ए कार्तिक ढूंढो सब जगह। पंडित जी अंदर आइए, देखिए। देखो वही है, यही है। हाँ
प्रभात, पिछले 10 दिनों में सुलेमान ने बहुत लोगों को कॉल किया है और आखिर में अपनी बहन से बात की, लेकिन पिछले 3 दिन से उसने अपनी बहन को फोन नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से सुलेमान अपनी बहन से मिलने गया होगा। उसे वहां जाकर ढूंढो, पता चलता है। जा। ए, चलो कार निकालो। ये लोग कार निकाल रहे हैं, मुझे भाग जाना चाहिए। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी बैठो, जल्दी चलो चलो चलो, जल्दी बैठ जाओ। अच्छा मौका है, इसमें बैठ जाता हूँ। कैसे क्या हो गया, कहाँ आकर फंस गए। हेलो, आप अपनी बहन के घर पर रहना। मैं अपनी बहन के घर पे नहीं हूँ, चंद्रगिरी जा रहा हूँ मैं। रंगारेड्डी के लोग आपकी बहन के घर पर आ जाएंगे। अपनी बहन को फोन कीजिए, उससे कहिए वहाँ से निकल जाए, वरना ये उसे मार देंगे। ठीक है, मैं अभी बोलता हूँ। शिवा, क्या हुआ जी? नहीं कुछ नहीं हुआ, रुको। क्या से hey! क्या हो गया? बाहर निकल भाई, उतरना, पीछे और भी गाड़ियां हैं। उतरने के लिए उतर, कहाँ जा रहा है तू? मैं तो नहीं, कहाँ पर मेरे भाई के घर पे जाना होगा मुझे। क्यों जा रहा है? घर के बाहर सुसाइड हुआ है। सुसाइड? हाँ, लव फेलियर भाई। किसने? तेरी बहन ने? मेरी दादी। बैठना। तेरे दादा ने फोन किया? मेरे दादा मर गए तो कैसे फोन करेंगे। क्या मर चुके हैं? मतलब वो क्या है ना, मेरी दादी ने किसी और से प्यार किया, वो मर गया तो दादी वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो मेरी दादी ने भी सुसाइड कर लिया। देख, कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर से बता। इतना बोला कुछ समझ में नहीं आया? बड़े लोगों ने सही कहा है, भैंस के सामने बीन नहीं बजानी चाहिए। तेरी तो सर 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 ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर आई डोंट नो दिस इज क्वालिस व्हाइट कलर एंड 4 टायर्स एंड 6 सीट्स एक्चुअली आई वांट 1 सीट वेरी इंपॉर्टेंट वर्क सर। क्या मतलब? आई वांट दिस फ्रंट सीट, व्हाई? बिकॉज़ आई हैव पोडुक लेग सर, डेट सॉल्व। तू इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेता है। हां, 3 times BA पास, वेरी स्ट्रांग इंग्लिश। तू बहुत काम की चीज है, चल गाड़ी में बैठ। इंग्लिश आती है तो गाड़ी में बैठने दे। पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाएंगे ये लोग। आगे जरा ठीक से देख क्या भैया। शिवा बाय। ए मार्क्स, कहाँ जा रहा है? हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं। ठीक है ठीक है, मैं भी आता हूँ। चलो। अरे तू मत आ, ये बड़े लोगों का काम है। अरे तो मैं भी साथ चलता हूँ ना। अरे बाबा, अंदर एक भी जगह नहीं बची है। अरे डोर खोल मार्क्स, मैं भी आता हूँ। तुम कहाँ रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? गाड़ी में जगह है ना, मैं भी आता हूँ। ऐसे आ सकते हो? जाओ यहाँ से। हाँ भाई चलो चलो, तुम चलो चलो। हाँ, इसे भी साथ ले जाओ। ठीक है भाई, ए चलो बैठो। चल सरक। बाप रे, बोला था ना यहाँ पर जगह नहीं है। अच्छे से बैठना, तेरा बेल्ट चुभ रहा है। वो बेल्ट नहीं है। पूरे अरेंजमेंट के साथ जा रहा है। किसी को पता चल गया ना तो समझ ले अच्छी खातिरदारी होगी तेरे। ए प्रभात। हाँ क्या है भैया, इसका मतलब? भैया, भाई ने आपको बैटिंग दी है भैया, 4 का इशारा दिया है। आप क्रिकेट नहीं खेलते क्या? यूनिवर्सल में ना इसका मतलब एशिया में सबको पता है। थोड़ा बाल कटा लो भाई, तुम्हारा दिमाग थोड़ा शार्प हो जाएगा। भाई को पूछ लेता हूँ, एक मिनट रुको। फोन पर मुझे भी मारने की बात कर रहे हैं ना। वो सलमान के मिलते ही उसे मार दो। वो सलमान के मिलते ही उसको मार दो। उसके बाद शिवा को भी खत्म कर देना। उसके फ्रेंड को भी। और उसके फ्रेंड को भी। मुझे भी मारेंगे। ठीक है भैया, देख लिया ना, तेरे साथ वो लोग मुझे भी मार देंगे, तू तब खुश है ना। ग्रेट इज गॉड। चलो चलो। नाश्ता किया तुमने? हाँ कर लिया। ये तो रंगारेड्डी को मारने वाला आदमी है। फोन उठाओ ना। ए, चलो चलो। सोलोमन कहाँ रहता है? वो घर है भाई,
अरे बाप रे, यहां से भाग जाने का इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा। दरवाजा खोलो। हे कार्तिक, वहां देखो, उन्हें वहां उन लोगों ने घेर लिया है। उधर जाओ, जाओ, चलो अंदर जल्दी से जाते हैं। चंद्र है तू, कठोर है तू, धुरंधर तू, भयों से भी भयंकर, आओ निडर तू, मौत बन तू, भयंकर तू, युद्ध कर तू, भवंडर तू, धुरंधर तू, बता दे कि सिकंदर, अयम त्रयम है तू, जय है विजय भी तू, जलता सूर्यम है तू, शिव है रुद्रम है तू। कार्तिक, प्रभात को पवन गैंग ने घेर लिया है। तूने हथियार पकड़ना सीख लिया? वक्त आने पर पकड़ना पड़ता है। मतलब वो लोग मुझे मारने आए थे इसलिए? हाँ हाँ, यहाँ राइट में जाना है। फोन क्यों नहीं उठा रहे? बोलो पंडित जी। भाई, बड़े भैया को जिस आदमी ने मारा वो मिल गया, आपने बताया क्यों नहीं? है? क्या बक रहे हो तुम? मैं बक रहा हूँ? कैसी बात कर रहे हैं? अभी प्रभात के साथ बैठकर वही तो जा रहा था। क्या कहा? हमारी गाड़ी में जा रहा था। हाँ भाई। कौन है वो? जिसे थोड़ी सी दाढ़ी है, गोरा है, वही है। तू फोन रख। मतलब शिवा, जो इंसान भाग सकता था वो वापस क्यों आया? हे, तुम लोग इसके साथ जाओ। हाँ, जल्दी जल्दी। दूसरी गली से लेफ्ट लेना। हे, चल रहे। अरे कार्तिक, फोन उठा जल्दी। उठा उठा। हाँ भाई, बोलो। वो शिवा कहाँ पर है? अपने बड़े भैया को शिवा ने ही मारा है। क्या बोल रहे हो आप? उसको यही खत्म कर देता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना। उसे मेरे पास लेकर आओ। उसको किसने भेजा है? वो क्यों मार रहा है? हर चीज जानने के बाद उसे बेरहमी से मारेंगे। लेकर आओ उसे। प्रभात, Thank you.
प्रभात वो देखो चलो 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 जाओ। भाई ने अभी फोन किया है, तुरंत वहां आने को बोला है, हमें चलना होगा। चलो चलो। ए, वो तीन बज गए, एक एक का सर काट देते हम। चलो रे बैठो जल्दी, ए जल्दी बैठो चलो। शिवा को बता देता हूं। हेलो शिवा, शिवा दोनों को मार दिया क्या? नहीं, तू कहां पर? मैं तो यहां से भाग रहा हूं, और तुम उन तीनों को मार कर शादी हो जाने के बाद मुझे बता देना, बाद में तुम्हें फोन करके मिलता हूं। ओके ना, बाय। हेलो दामाजी, अंदर चलो चलो। यहां आओ मूर्ति, घर के सारे बच्चों और औरतों को यहां से बाहर लेकर जाओ, समझ गए? कहता हूं। जल्दी जल्दी उस तरफ। कहाँ जा रहे हो तुम, बोलो? मेरे पिताजी को तुमने मारा ना? मेरे पिताजी को तुमने ही मारा ना, बोलो? तुम कौन हो? घर में सबको पता चल गया है। मेरे करीब आना, मुझसे प्यार करना घर में घुसने के लिए, सही है ना? और क्या क्या करना चाहते हो तुम? हाँ सर, हथियार पकड़कर कहां जा रहे हैं? किस किस को मारना चाहते हैं, बोलो बोलो ना। हाँ मारा, तुम्हारे पिताजी को मैंने मारा, और सुनो तुम्हारे तीनों चाचाओं को भी मैं ही मारने वाला हूं। पर किस लिए? किस लिए? यशोदा, मेरा गांव एक बहुत ही छोटा सा गांव है, बहुत मामूली सा। वोट मांगने के अलावा हमारे गांव की तरफ किसी पॉलिटिशियन ने मुड़कर तक नहीं देखा। हमारे गांव का कोई भविष्य नहीं था, लेकिन तबाहन फाउंडेशन के जरिए गांव का भविष्य बदलने एक देवी आई, यशोदा। मैं उसी गांव में रहने वाला एक आम आदमी था। हम सबको एक नया रास्ता दिखाने के लिए वो आई थी, गुलामी से आजाद करने के लिए, अंदर के डर को निकालने के लिए, हिम्मत देने के लिए आई थी। हमारे बच्चों को पढ़ाई एक हथियार है, ऐसा समझाकर एक युद्ध छेड़ा। हमारी जिंदगी में जो अंधेरा था उसमें रोशनी लेकर आई। ए बस आ गई, पकड़। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आई आई। ए राइट राइट। हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए संघर्ष करते हुए
यशोदा जी को देखकर मुझे बहुत दुख होता था। अरे जरा देख क्या हुआ है। ए शिवा, टायर पंचर हो गया। तिरुपति, ये टायर अंदर डाल दे। हाँ। ए धर्मा, पकड़ रहे। लगता है आप मानेंगे नहीं। यशोदा ने पंचायत बुलाकर 24 साल से पिद्दा रेड्डी ने क्या किया ये सबको बता दिया। 24 सालों से कैसे उसने जनता को लूटा, जनता के साथ धोखा किया, ये सारी बातें यशोदा ने लोगों के सामने लाई। गांव में हर घर जाकर यशोदा ने सबको बताया कि अगर बदलाव लाना है तो हर एक को वोट डालना होगा। उसने गाँव के लोगों को हिम्मत और विश्वास दिलाया। लोगों ने यशोदा का भरोसा किया और भारी वोटों से एकेपी की जीत हुई। गांव में एक बदलाव आया, एक त्योहार की तरह इस जश्न को मनाया गया। इलेक्शन की हार से पेद्दा रेड्डी अंदर ही अंदर घुटता रहा। उसने पानी पीना तक छोड़ दिया, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। 3 महीने 13 दिन तक तड़प कर आखिर उसने दम तोड़ दिया। रंगारेड्डी ने अपने पिता की मौत का जिम्मेदार गांव वालों को और यशोदा को माना, उसके परिवार को और एकेपी ग्रुप को मिटाने का फैसला किया। ए, बस आ गई, पकड़ पकड़। रुको रुको। नमस्ते मैडम। नमस्ते शिवा। शिवा। हाँ? इलेक्शन में कौन जीता? हमारे शंकर भाई जीते, आपने जो बोला वही हुआ। ओह, शंकर भाई अच्छे इंसान है मैडम, अच्छी राजनीति जानते हैं। आपने कह दिया तो सबने उन्हें जिता दिया मैडम। आप इतने दिन आई क्यों नहीं, बच्चे आपको याद कर रहे थे। हे शिवा, मैडम हमारे साथ रहेंगी तो कितना अच्छा होगा ना। अगर शिवा हाँ कर दे तो मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगी। आप हमारे गाँव में रहेंगी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है मैडम। मैं ऐसी बात इसलिए कर रही हूँ कि शायद तुम उससे शादी के लिए हाँ कर दो। क्या मजाक कर रही है मैडम, चलिए ना। अरे चलिए मैडम। सुबह सुबह झोंक मार रही है मैडम। नहीं शिवा, मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम शादी के लिए हाँ कर दो तो मैं यहीं रहूंगी। अरे क्या मैडम, आप भी यहाँ लोग गांव से शहर जाने की बात कर रहे हैं और आप है कि शहर से गांव आ रही हैं। आपके घर वाले आपकी शादी कितनी धूमधाम से करने की सोच रहे होंगे, आप उन्हें छोड़कर मुझे, ये गलत है मैडम। शिवा हम चलते हैं। हाँ ठीक है। मैंने अपने पिताजी और भैया को बता दिया है, उन्होंने कहा तुम्हारी मर्जी, तुम क्या कहते हो? बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अब जाइए मैडम। दीदी एक चाय देना। देती हूँ। इसे चाय मत देना, ऐसे क्या देख रहा है रे? मैडम तेरे साथ शादी करना चाहती है बोला ना, तुझे क्या हो गया रे? अगर मैडम यहाँ पर रहेगी ना तो सारी जिंदगी सारे बच्चों को पढ़ाएगी। हा? अच्छा है ना,
इस बुड्ढे को भी पता चल गया। शिवा, तुम कुछ कहना चाहते हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस अभी तक क्यों नहीं आई, वही सोच रहा था। तुझे कुछ बोलना है क्या? अरे बोल देना जो बोलना है, बोल। मैं क्या बोलूं, मुंह बंद कर। तिरुपति, क्या बात है? मैडम, नहीं मैडम, इसके दादाजी की तबीयत खराब है ना, तो दवाई लेने की बात। हाँ वही मैडम। ठीक है, मैं जाती हूँ। बाय। दीदी अच्छी है ना? ये क्या यार, तू प्यार करता है ये तो बोल सकता अरे है ना? पागल है क्या, ऐसे कैसे? फोन लगा एक बार। लगाऊं? लगाना। ये चीन तो बहुत अच्छी है। हेलो। हेलो, मुझे आप 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 कल कब कब आने वाली हैं? सेम टाइम। ठीक है ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। बाय। हे, उसे पता नहीं है क्या, बताने की क्या जरूरत? अबे मुझे अंदर क्या टेंशन हो रही है, तुझे पता है क्या? हे, तुझसे नहीं होगा, फोन मुझे रुक। अरे मुझे करता हूँ। रुक। अच्छा करना। बोला ना करता। हेलो। मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो शिवा। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन आप बहुत बड़े लोग हैं। हेलो शिवा। मैडम। हेलो। हेलो। बात करते करते फोन कट गया है। दीदी रंगा रेड्डी आ गए, भागो जल्दी जल्दी भागो, भाग जाओ यहाँ से जल्दी, इस तरफ। ए ए ए पकड़ो उन्हें, ए रुको, ए ए पकड़ो उसे, जल्दी दीदी जल्दी, ए रुक, ए रुक। बारिश हो रही है ना, इसलिए नहीं लग रहा है, बाद में कर लेना। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। मालकिन मालकिन जल्दी दरवाजा खोलिए, जल्दी दरवाजा खोलिए। कौन है? हाँ? क्या हुआ लावण्या? लावण्या, रो मत रो मत, बताओ क्या हुआ? बस हाँ, में हाँ, हाँ, बस में। सुनील जी आप पानी लेकर आइए। हाँ, रो मत रो मत, जल्दी लेकर आओ। ये लो पानी पियो। तो क्या हुआ, बोलो लावण्या, बोलो, डरो मत, बोलो। लेकर आओ रे। ए छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए उसे, क्या कर रहे हैं आप लोग, छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए उसे।
यशोदा दीदी इसी से प्यार करती थी। अगर मैं यहां रहूंगी तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। क्यों मजाक कर रही है मैडम, चलिए। पापा और भैया से बात कर ली है, उन्होंने कहा कि तुम्हारी मर्जी, मैं शादी करके यहाँ रहने को तैयार हूँ। अब तुम्हारी मर्जी। अब बताओ मुझे क्या मैंने गलत किया। चलो यहाँ से, इससे क्या बात करनी है अब, चलो।
तू यहाँ क्यों आया? कौन है तू? हमें क्यों मारना चाहता है? बता दो भाई। भागा, 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 ए कार्तिक, इसे खाओ। भागा, 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 भागा। खत्म कर दो इसे। पांडु, पांडु, शिवा, मुझे, मुझे माफ कर देना, माफ कर देना, पांडु, पांडु। शिवा, यशोदा को जिन लोगों ने भी मारा है उनमें से एक को भी जिंदा मत छोड़ना। Oh!
साफ साफ लिखना।